हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं आपका अपना तरुण भारद्वाज व्लॉग से, तो आज नए दिन की नई शुरुआत है। आज मैं जा रहा हूँ ऐसी जगह, आज देखते हैं, अभी निकल रहा हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। सबसे यूनिक व्लॉग है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा, वो मैं बनाता हूँ। तो गाइस, देखने को मिलेगा आगे बहुत कुछ, पूरा सफ़र दिखाऊँगा, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कौन सी जगह जा रहा हूँ। तो इंजॉय करते रहना लोग। थैंक यू गाइस। शिमला गाड़ी का मैं जा रहा हूँ, मैं रिक्शे में बैठ चुका हूँ, अभी यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरा रिक्शा पकड़ा है, जहाँ जाना है इंटरव्यू के लिए ना, वो जगह बहुत दूर है, तो पीरागढ़ी के साइड है, वहाँ जाना है। तो दिखाऊंगा पूरा सफ़र। तो ये मैं जा रहा हूँ चलता हुआ, आज पूरा दिन बड़ा वैसा जा रहा है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कितना ये जाम ही जाम था। अब थोड़ा बस स्टॉप पर जाना पड़ रहा है, मेट्रो नहीं जाती जहाँ जाना है मैंने जॉब इंटरव्यू के लिए। अभी तो रिक्शे से उतरा ही हूँ, आगे जा रहा हूँ, यहाँ से बस पकड़नी है क्योंकि वहाँ कोई मेट्रो नहीं जाती, काफ़ी दूर है। आगे दिखाता हूँ बस में बैठ के। और माहौल थोड़ा दिल्ली का ख़राब हो रखा है, हर जगह इतना जाम है, जाम ही जाम, बंदा बाहर जा ही नहीं सकता। और ये मैं बस में हूँ, बड़ी भीड़ है बस में, कोई नहीं ब्लॉगिंग तो करनी करनी है, क्या करें, अब आना पड़ता है छोटी बस में, मेट्रो तो जाती नहीं ना, तो इसी बस में आना पड़ रहा है। भीड़ बड़ी है पर कोई नहीं, जाना इसी में ही है, छोटी वाली बस है, बड़ी प्राइवेट बस भी नहीं है। मेट्रो जाती होती मेट्रो से जाता, गाड़ी भी नहीं जाती उधर, नहीं तो ओला बुक करके चला जाता। पीरागढ़ी पहुँच गया हूँ, काफ़ी दूर है, हमें रोड के उस पार जाना है, तो मेट्रो से जाना पड़ेगा होते हुए। आज का बड़ा दिन बेकार जा रहा है, इतनी गर्मी भी हो गई है और मैं बिना फालतू में सर्दियों वाले कपड़े डाला है। और मुझे मिल गया, जो पक्की होगी मेरी, इंटरव्यू भी दे दिया, अब घर वापस जा रहा हूँ। देखते हैं अब क्या करना है, रात को खाने पीने का ब्लॉग डालूंगा पूरा, देखते हैं क्या खाने पीने जाते हैं और बताऊंगा सब आगे। इंटरव्यू तो हो गया, जॉब भी होगी पक्की, अब जा रहा हूँ। ये तुम्हारे भाई का डोला कम हो गया, देखते हैं मेट्रो से जाऊँ या बस से जाऊँ, जाना तो पड़ेगा ही। ये रही वो जगह जहाँ पे मैं आया हूँ इंटरव्यू देने, पूरी मार्केट बन रखी है। तो ये मैं रिक्शे में बैठ रखा हूँ, रेड लाइट हो रखी है, बहुत भीड़ है, एरिया बड़ा कमर्शियल एरिया, बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ वाला। लड़ाई हो गई है बड़ी खतरनाक। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी, लड़ाई में बड़ा मजा आता है लोगों को। हाँ जी अंकल जी, लड़ाई तो सबसे खराब चीज है, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बंदा राज वो करो ना, कभी लड़ाई नहीं करेगा, जो लड़ाई करेगा मेरे बड़े केस लड़ते रहो। ये आदमी के बाद
अंकल जी समझा रहे हैं मुझे। कभी लड़ाई नहीं करनी जी। हाँ सही कह रहे हो। सबसे मीठा फल, मीठा फल होता है समझदारी का। हाँ जी अंकल, जो कोई समझदारी नहीं लेगा तो पता नहीं मीठा फल क्या होता है। ना समझो सही कह रहे हो। और हम जनकपुरी में उतर गया हूँ, यहाँ से अब जा रहा हूँ, या तो गुरुद्वारे जाऊँगा या तो पैसिफिक मॉल, देखते हैं, क्योंकि टिकटॉक भी बनानी है। काफ़ी टाइम हो गया टिकटॉक भी नहीं बनी, आज टिकटॉक बनाऊँगा। जहाँ भी जाम लग रखा है जनकपुरी में दूर दूर तक, इससे बढ़िया पैदल ही चलो सही है। तगड़े वाला जाम लग रखा है, बिल्कुल निकलने की जगह तक नहीं है, पैदल वाले बंदों की भी जगह नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ी बहुत मिली जगह, पूरी जगह ही बंद है। यहाँ पंगा पड़ गया, लड़ाई हो गई है, भीड़ ही भीड़। दिखाता हूँ क्या हुआ है, पुलिस केस हो गया लग रहा है। गाड़ी ठोक दी, ये बस ने गाड़ी ठोक दी, गाड़ी का आधा टायर बस के नीचे आ गया। पुलिस केस हो रहा है उस पे, बस वाले पे, उसने गाड़ी के अंदर ही ठोक डाली पूरी, भीड़ ही भीड़। पूरा आधा टायर गाड़ी का बस के नीचे आ रखा था, आगे से पूरी गाड़ी पिचक गई। बट कोई नहीं, हम ऐसे ऐसे आज हमारे साथ सिचुएशन हो रही है कि मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। पहले लड़ाई हुई, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर क्या क्या नहीं हो रहा आजकल। पूरी दूसरी बस में बैठ गया, भैया देख रहे हैं। और ये मैं बस से उतर चुका हूँ, भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत थी बस में, तो इस वजह से मेरे को थोड़ी शर्म से आ गई वीडियो बनाने में। पर कोई नहीं, अब बन रही है वीडियो, तो आगे दिखाते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। और गर्मियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं आ ही चुकी हैं, मेरी हालत एकदम बुरी, फुल पसीने आ रहे हैं। अब से हल्के कपड़े डालने स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मेरी हालत बड़ी बुरी होगी, पसीने पसीने आ रहे हैं, आप देख ही सकते होंगे। फिर भी हमें बस ब्लॉगिंग करनी है, जो मर्जी हो जाए। अब जाएंगे गुरुद्वारे, वाहेगुरु जी ने मेरी जॉब लगवाई है, वाहेगुरु जी के पास जाके मत्था टेकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारे जाते हुए, गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए उतार ली मैंने। अब जा रहा हूँ, तिलक नगर पहुँच ही गया हूँ, गुरुद्वारे जा रहा हूँ, मत्था टेक के आपको दिखाऊंगा। अरे मैं गुरुद्वारे पहुँच गया, तिलक नगर में आई है गुरुद्वारा, फतेह नगर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ का। तो थोड़ा बाबा जी के दर्शन करने आया हूँ, मेरी जॉब लगवाई है तो दर्शन करने तो बनते हैं। तो गुरुद्वारे पहुँच गया हूँ मैं, अब अंदर जा रहा हूँ जूते वगैरह उतार के। चलो यहाँ कुछ मिल रहा खाने पीने का, लंगर वगैरह आता हूँ। दोबारा से मैं गुरुद्वारे आ गया, रात के टाइम अलग ही मज़ा आता है। रात के 10 बज रहे हैं,